चेंज करते रहते हैं। तो सच्ची कहानी है, एक सच्चे कैरेक्टर पे बेस्ड है। मंजुनाथ शनमुगम IIM लखनऊ के ग्रेजुएट थे, उनको 2005 में मार दिया गया था क्योंकि वो सच के लिए लड़ रहे थे। उनके बारे में कहानी है, उनके मरने के बाद की कहानी है। उनके लिए कुछ लोगों ने जस्टिस के लिए फाइट किया, उनकी भी कहानी है। तो इट्स अ रियल स्टोरी एंड वेरी रेलेवेंट स्टोरी ऑफ टुडेज टाइम्स। मुश्किल मतलब मुझे मालूम नहीं, मेरे लिए तो दूसरे टाइप की कहानी थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। जिस चीज़ के लिए आपने निश्चय कर लिया है तो वो मुश्किल नहीं होता है। तो मैंने 2.5 साल रिसर्च की है इस पर, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया करने में। जो मुझे फैक्ट्स मिल रहे थे उससे, हर फैक्ट से मेरे लिए कहानी और ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी बनती जा रही थी, तो मैं और एक्साइटेड हो रहा था एक्चुअली। तो इसमें कुछ लेबर नहीं होता है, इसमें आपका पैशन होता है, आप इन्जॉय करते हैं, और मैं उसमें बहता चला गया। एक बार वो कहानी रेडी हो गई तो पूरी फिल्मिंग प्रोसेस में, कास्टिंग प्रोसेस में भी मुझको मज़ा आया। इसलिए आया क्योंकि जितने मुझे एक्टर्स चाहिए थे, जो भी एक्टर्स चाहिए थे, मेरे फर्स्ट चॉइस मुझे सारे मिल गए। तो एक तरह से विशलिस्ट मिल गई मेरे को, जितने क्रू थे वो मेरे फर्स्ट चॉइस मेरे पास आ गए। तो इट्स बीन अ ड्रीम रन एक्चुअली, इट्स टेकन सम टाइम, बिकॉज मैं चाहता था कि कहानी में सच्चाई रहे, जब ऑडियंस देखे तो उनको हर सीन में उनको दिखे, फील हो कि ये सच है। तो टाइम सिर्फ उसमें लगा, बाकी सब एवरीथिंग वॉज एन एन्जॉयबल प्रोसेस, एब्सोल्युटली वेरी इंटेंस। हम सब उसमें एक तरह से उसमें घुल मिल गए थे, हम सब एक तरह से, हम लोग के लिए एक बिफोर मंजुनाथ द मूवी एंड आफ्टर मंजुनाथ द मूवी का फेज हो गया है। लेकिन तो मुझे लगता है कि कोई भी क्रिएटिव पीस ऐसे ही होना चाहिए, कुछ कहीं पर आपको बदल दे। नहीं, उसको इडियट बुलाते नहीं थे, लेकिन हम सब ऐसे लोगों को इडियट बुलाते हैं या इडियट समझते हैं, क्योंकि हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, ऐसे काम कर रहा हो और उस पर उसकी जान पे बनाए, तो शायद हम उसको कहेंगे कि ऐसा मत करो। और फिर भी अगर करता रह जाए और हम हमारे बोलने के बावजूद, तो हम उसको शायद बोलेंगे अरे इडियट है, छोड़ दो उसको। तो ये आज के माहौल की सच्चाई है और ये जो टैगलाइन है उस सच्चाई को बयान कर रही है। जी, मैं मंजुनाथ की सीनियर प्ले कर रही हूँ अंजलि, जिन्होंने उनका केस आगे बढ़ाया और जो उसको एक शुरुआत चाहिए थी उस एक केस को, वो उन्होंने दी। और एक किसी भी कॉमन इंसान की तरह एक खबर देखी, जहाँ देखा कि उनके जूनियर के साथ ऐसा हुआ, और देखकर उसे फिर अपने काम में रह गई। लेकिन उनके हस्बैंड ने बोला कि तुम कुछ कर रही हो इस बारे में। तो आई थिंक हर एक के अंदर एक इनिशिएटिव लेने की हिम्मत होती है, जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो वो इनिशिएटिव आई थिंक जो लिया है वो अंजलि वो डिपिक्ट करती हैं, वो स्ट्रेंथ वो डिपिक्ट करती हैं। और आई थिंक वो अंजलि हर इंसान में है, और आज के दौर में उस अंजलि की मुझे लगता है हर एक को ज़रूरत है, ताकि वो एक जो कैंडल है वो आगे बढ़ती जाए। आई थिंक रोल्स आपको चूज़ करते हैं, आपके पास आते हैं और आपका मन जो कहता है कि मुझे करना है, दिल से सोचते हैं आई थिंक एक्टर्स, और मेरा मन किया कि मैं ये रोल करूं और आई एम डूइंग इट। आप जो है मंजुनाथ जो मेन कैरेक्टर प्ले करने वाले हो, तो किस तरह की तैयारी करनी पड़ी, आप डेब्यू कर रहे हो? जी, तैयारी तो हमने खूब की थी सर के साथ, तो 3-4 महीने की रिहर्सल्स की थी हमने बिफोर गोइंग ऑन सेट। तो वही था रोज, मतलब मैं प्रैक्टिकली आई वॉज लिविंग इन द ऑफिस एवरी डे। मतलब हम लोग 8-9 घंटे रिहर्सल्स करते थे कि हर एक सीन पे हर एक इमोशन को, मतलब ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल लिविंग दैट। तो यही था, इट वॉज इंटेंस प्रिपरेशन एंड आई रियली लव दोस। नहीं, मेरे जो बोलते हैं कि जो गाइड मेंटोर जो भी हैं, संदीप सर ही हैं। तो क्योंकि वो एक्टर्स को इतने सारे फ्रीडम दे, मतलब इतना फ्रीडम देते हैं कि आप सच्चाई और ईमानदारी से रोल निभाओ
एंड जो भी थे पहले अगर सेट पे भी जाते थे कि सर पहले पूछते थे एक्टर से कि आपने क्या सोचा है, तो एक बार दिखा देंगे तो फ्रेम फ्रेम भी उसी हिसाब से सर सेट करते थे और वो वैसे देयर इज कंप्लीट फ्रीडम। तू अच्छे सवाल पूछ रहा है, खुल के पूछना, इतना दब के क्यों बोल रहे बेटा, बोल ना अच्छे से। हाँ सर, हमेशा से आपको विलन के किरदार में देखेगा, तो ये फिल्म में आप मंजुनाथ को किस तरह से परेशान करने वाले हैं, किस तरह का किरदार? विलेन बोल सकते हो एक तरह से, लेकिन उस तरीके का टिपिकल विलेन नहीं है कि वो जानबूझ के खून खराबा चाहता है या मारना चाहता है किसी को। एक आम इंसान है जिसके अंदर खूबियाँ कमियाँ दोनों हैं और वो जी रहा है, उसके आढ़े में एक ऐसा इंसान आ जाता है जो बहुत ही ईमानदार है, जो इडियट था साला, तो वो कैसा इडियट था, वो कैसा ईमानदार था, किस तरीके की मिट्टी का बना हुआ था, वही मंजुनाथ की कहानी है। और मेरा उससे लड़ाई यही है कि यार थोड़ा सा तो एडजस्ट कर लो, मतलब तुम भी कमाओ हमें भी कमाने दो, इस तरीके का एक करेक्टर है कि चलता है यार, ठीक है ना यार, एडजस्ट कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो, ये वाले जो आज आम लोगों में ये धारणा या ये विचार आ चुके हैं, तो इस विचार की और उस विचार की ये लड़ाई है मेरे हिसाब से ये फिल्म मंजुनाथ। देखिए भगत सिंह सेलिब्रिटी हैं, बहुत फेमस हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। फ्रैंकली आजकल के मंजुनाथ को भगत सिंह नहीं माना जाता है, आजकल के मंजुनाथ लोग को आज, बल्कि आज अगर भगत सिंह होते तो शायद उनको भी इडियट माना जाता, और उस समय अगर मंजुनाथ होते तो उनको भगत सिंह माना जाता। तो माहौल की बात है, और कोई बात नहीं। तो ऐसा वो कॉमन मैन है, साधारण आदमी है बिल्कुल मंजुनाथ, वो जैसे आप हैं जैसे मैं हूँ वैसे ही है, और वो आगे जाके बहुत बड़ा काम करता है, कहानी वो है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फिल्म जाके देखिए, क्योंकि मुझे मालूम है जिस तरह से इस फिल्म के बारे में बातें हो रही हैं तो लोग वेट कर रहे हैं इस फिल्म का। हमको मालूम है सोशल मीडिया पर लोग ऐसे पोस्ट कर रहे हैं कि 4 दिन और 3 दिन और 2 दिन और, एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो मुझे मालूम है लोग देखना चाहेंगे इस फिल्म को। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फिल्म आप 50 लोग के साथ देखने इसलिए जाइए क्योंकि ये फिल्म गिफ्ट करने लायक है। आपको शर्म नहीं आएगी इस फिल्म को, अगर आप 50 टिकट आप किसी को भेज दें तो ये फिल्म उस लायक है क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है।